हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है, डेट इज़ दी व्हाट इज़ द राइट वे टू मेक ए रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस। अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे जो है रिसर्च करते हैं, तो वहाँ पे हमें पहले रिसर्च प्रपोजल देना पड़ता है। और अगर हम यूनिवर्सिटी के साथ इनरोल्ड हैं पीएचडी करने के लिए, तो वहाँ पे रिसर्च प्रपोजल जो है सिनॉप्सिस की फॉर्म में हमें डिपॉजिट करवाना पड़ता है। और ज़्यादातर जो लोग होते हैं जो पीएचडी वगैरह करते हैं, वो सिनॉप्सिस को इतना सीरियसली नहीं लेते। उनको लगता है कि इट इज़ वेरी इजी टू मेक सिनॉप्सिस, कोई बना बनाया सिनॉप्सिस वो देख लेते हैं और उसके अंदर हल्की फुल्की मॉडिफिकेशन करा के वो जमा करवा देते हैं। लेकिन जब हम रिसर्च करते हैं, तो क्योंकि हमारा सिनॉप्सिस सही नहीं बना हुआ, तो उस वक्त हमें बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। क्योंकि रिसर्च के अंदर जब हमारे सिनॉप्सिस के अंदर ऑब्जेक्टिव की हमें क्लैरिटी नहीं है, ऑब्जेक्टिव हमने वेग कर दिया, ऑब्जेक्टिव हमने सही तरीके से फॉर्मुलेट नहीं किए, तो हमें रिसर्च के अंदर प्रॉब्लम आएगी। और उस वक्त क्या होता है, ना हम इधर के होते हैं ना उधर के होते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी हमें परमिट नहीं करती कि जो हमारा सिनॉप्सिस रजिस्टर हो चुका है उसी के हिसाब से हमने रिसर्च करनी होती है, हम उसके अंदर मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। तो इसलिए क्या है कि जो सिनॉप्सिस बनाना है, इसको बहुत ही ध्यान से बनाना है, इसको हरेडली नहीं बनाना। क्योंकि अगर हमने सिनॉप्सिस का काम सही तरीके से कर लिया, तो मानो कि हमने आधी पीएचडी कर ली। क्योंकि अगर हमारा सिनॉप्सिस सही बना हुआ है, तो हमें रिसर्च करते हुए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमें अपने ऑब्जेक्टिव के बारे में क्लैरिटी है। क्योंकि जब भी हम सिनॉप्सिस बनाते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव फॉर्मुलेशन कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ये है, उसका डाटा हमने कहाँ से कलेक्ट करना है, तो वो हमें चीज़ों की क्लैरिटी हो जाती है। इसके जो रिटर्न नोट्स हैं, वो भी मैंने अपने ब्लॉग पे शेयर कर दिए हैं। और अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये थोड़ा सा ब्रीफली जो है मैंने रिसर्च प्रपोजल के बारे में बताया है, ब्रीफली हमने किया है। उसके बाद मैंने एक स्पेसिमेन कॉपी जो है, जो मेरे कुलीग हैं उनकी स्टूडेंट की सिनॉप्सिस की कॉपी ली है, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है अलॉन्ग विद जो है समझा सकूं। और एंड की आप ये वीडियो जो है एंड तक देखें, जिसके अंदर मैंने बिब्लियोग्राफी के बारे में भी बताया है कि बिब्लियोग्राफी को हम किस तरह से लिख सकते हैं, क्या उसके स्टाइल्स हैं। तो रिसर्च प्रपोजल कंटेन द एसेंस ऑफ द प्रोजेक्ट एंड सर्व एज द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द रिसर्चर एंड द मैनेजमेंट। देखो, जो रिसर्च प्रपोजल है, वो पूरी रिसर्च हमने किस तरह से करनी है, उसको समराइज बेस से जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसके उसी के बेसिस पे हमने रिसर्च करनी है। और अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे रिसर्च कर रहे हैं, तो वो वहाँ पे हमारा रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे क्या है कि मैनेजमेंट के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है। और अगर हम पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी के लिए भी क्या है कि रजिस्ट्रेशन होनी है, तो उसके लिए हमें रिसर्च प्रपोजल जो है सिनॉप्सिस की फॉर्म में डिपॉजिट करवाना पड़ता है। रिसर्च प्रपोजल के अंदर जो है रिसर्च प्रोसेस के एवरी एस्पेक्ट जो होता है कवर किया जाता है, जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, प्रीवियस जो लिटरेचर व्यू है, जिसके अंदर क्या है कि हमने जो है रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किए और जिसके बेसिस पे हम अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया। फिर उसके बाद हमारा रिसर्च डिज़ाइन, कि हम रिसर्च को किस तरह से कलेक्ट करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या ये डिस्क्रिप्टिव है, एक्सप्लोरेटरी है, कॉजल है, किस तरह से हम डाटा कलेक्ट करेंगे, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, और किस तरह से हम उसका एनालिसिस जो है स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ करेंगे। और जो हम ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे करते हैं, तो वहाँ पे होता है कि आपने ये जो रिसर्च करनी है, तो इसके अंदर क्या कितनी कॉस्ट आएगी, कितने टाइम के अंदर जो है हम उस रिसर्च को ख़त्म करेंगे। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर दी एलिमेंट्स ऑफ द रिसर्च प्रपोजल। तो ये जो हम ऑर्गेनाइजेशन को डिपॉजिट करते हैं, तो एग्जीक्यूटिव समरी, जिसके अंदर क्या है कि ब्रीफ समरी होती है, जिसके अंदर हर एक जो रिसर्च प्रोसेस का पार्ट है, उसको ब्रीफली हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया होता है। कि अगर किसी के पास पूरा टाइम नहीं है प्रपोजल को पढ़ने का, तो एग्जीक्यूटिव समरी से उसका ओवरव्यू ले सकता है। उसके बाद बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन, जो टॉपिक है उसकी बैकग्राउंड देते हैं, टॉपिक के बारे में बताते हैं, और उसी तरह क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से हमने जो है लिटरेचर, जो हमारे लिटरेचर व्यू के बारे में जो प्रीवियस स्टडीज़ हैं, उसी तरह हम रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताते हैं कि ये एक्सप्लोरेटरी है, डिस्क्रिप्टिव है, कॉजल है, और यहाँ पर हम इंफॉर्मेशन देते हैं कि किस तरह की इंफॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट करेंगे। अगर ये प्राइमरी है,
तो किस तरह से क्वेश्चनर जो है हम कौन से लोगों से फिल करवाएंगे, क्या स्केलिंग टेक्निक्स हैं, किस तरह से सैम्पल को कलेक्ट करें, सैम्पल किस तरह से डिटर्मिन करेंगे, और उसी तरह डाटा जो है किस तरह से कलेक्ट किया जाएगा, डाटा को एनालिसिस किस तरह से किया जाएगा, किस तरह से रिपोर्ट बनाई जाएगी, कॉस्ट एंड टाइम, और अगर हमने जो स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज़ किए होते हैं, जो टेबल्स हैं या ग्राफ्स हैं, तो वो हम अपेंडिक्स के अंदर लगा देते हैं। तो यहाँ पे सैम्पल साइज, देखो सैम्पल साइज को क्या, यहाँ पे जो मैंने स्पेसिमन लिया है वो फिनांस का है, जिसके अंदर सेकेंडरी स्टडी यूज़ की गई है, बट अगर आपने क्या है कि प्राइमरी डाटा है तो वहाँ पे आपका सैम्पल साइज़ जो है एडिक्वेट होना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। पर ये भी नहीं है कि सैम्पल साइज़ अगर आप PhD कर रहे हो कि सैम्पल साइज़ आपने इतना ज़्यादा ले लिया है जिससे आप डाटा ही नहीं फिल करवा पाए। तो यहाँ पे GStic पावर 319 जो है यूज़ किया जा सकता है, ये फ्री डाउनलोडिंग है। इसके अंदर अगर एक्सपेक्टेड एफ स्केयर के बेसिस पे, यहाँ पे आपके पास क्या है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं, जिसके बेसिस पे क्या है कि आप मिनिमम सैम्पल साइज जो है सिलेक्ट कैलकुलेट जो है कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि जो यूनिवर्सिटी के अंदर हमने सिनॉप्सिस डिपॉजिट करवाना होता है उसका टाइटल क्या है, बैकग्राउंड एंड रैशनल, रिसर्च ऑब्जेक्टिव, रिसर्च मेथडोलॉजी, टाइम शेड्यूल क्या है, बिब्लियोग्राफी। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप जो है इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि देखो टाइटल पेज जो है जिसके अंदर टाइटल पेज जो है कि किस तरह के हम रिसर्च कर रहे हैं, तो ये डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, ब्रीफ होना चाहिए, और टाइटल से इंडिकेशन हो जाएगा कि इस जो रिसर्च प्रपोजल है इसके अंदर क्या चीज़ें हो सकती हैं। तो टाइटल पेज जो है टाइटल ऑफ द प्रपोजल, नेम एंड द प्राइमरी इंस्टीट्यूशन के बारे में बताता है। हर एक इंस्टीट्यूशन जो है अपना फॉर्मेट देता है कि इस तरह के फॉर्मेट के अंदर जो है आपने जो है बेसिकली जो है टाइटल लिखना है, और अगर नहीं है तो APA स्टाइल के अंदर लिख सकते हैं। तो ये मैंने जो है अपने कुलीग के स्टूडेंट जो कि मेरे हस्बैंड ही है, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड हम एक ही डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, तो ये उनकी स्टूडेंट है, तो वहाँ से मैंने उनका जो सिनॉप्सिस है उसका स्पेसिमेन लिया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि देखो ये जो है टाइटल पेज है, इन्फ्लुएंस ऑफ द कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑन इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, प्राइस परफॉर्मेंस एविडेंस फ्रॉम द इंडिया। तो यहाँ पे ये सिनॉप्सिस है जो कि फैकल्टी ऑफ बिजनेस स्टडीज़ को सबमिट किया गया है ताकि वो PhD के अंदर रजिस्टर किया जा सके। यहाँ पे उनके गाइड का नाम है, यहाँ पे स्टूडेंट का नाम है, और ये जो है यूनिवर्सिटी का जो है यूनिवर्सिटी का वो जो है सिंबल है। और उसी तरह ये टाइटल पेज है जिससे हमें इंडिकेशन मिल जाएगी कि ये जो रिसर्च है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का IPO के साथ क्या रिलेशन है। और उसी तरह देखो उसके बाद क्या है, इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस और इनिशियली पब्लिक ऑफर का जो है बेसिकली जो है उसका कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्या इम्पैक्ट है उसके ऊपर, तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने थोड़े से जो है इंट्रोडक्शन जो है, जैसे पहले उन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस के बारे में बताया, फिर उसने अंडर प्राइसिंग के बारे में बताया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के बारे में बताया, फिर उसके बाद उसने अंडर प्राइसिंग के बारे में बताया, फिर उसने बताया कि अंडर प्राइसिंग और जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उनका क्या रिलेशन है। तो देखो यहाँ पे जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं तो जो भी हमारा रिसर्च हम कर रहे हैं जिनके ऊपर, तो उनके बारे में हमें जो है उनकी बैकग्राउंड के बारे में, उनके बारे में ब्रीफली जो है वो क्या चीज़ होती हैं, उनका क्या आपस में एसोसिएशन है। उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उसके बाद उन्होंने इंट्रोडक्शन के अंदर वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, और यहाँ पे उन्होंने बताया कि ये जो पेपर है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरिएबल और IPO प्राइसिंग के बीच में उनकी क्या एसोसिएशन है उसको स्टडी करता है। तो यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस का IPO अंडर प्राइसिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, और किस तरह से कॉर्पोरेट गवर्नेंस वेरिएबल जो हैं वो जो है इम्पैक्ट करते हैं उसके बारे में स्टडी किए। फिर उसके बाद उसने जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस के जो वेरिएबल्स हैं उनके बारे में बताया यहाँ पे इंट्रोडक्शन के अंदर। अब हम देखते हैं लिटरेचर व्यू, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी का होता है, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि कम से कम जो है 15-20 जो है प्रीवियस स्टडी जो होती हैं उनको कोट करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे हम जो प्रीवियस जो हमने स्टडीज़ की हैं जो कि हमारी स्टडी के साथ रिलेटेड है, जहाँ पे हमने रिसर्च गैप आइडेंटिफाई किए करके अपना जो है अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है, तो यहाँ पर क्या है कि जो
जो यहाँ पे, क्योंकि ये जो स्टडी है ये 16 के अंदर डिपॉजिट करवाई गई थी, तो यहाँ पे देखो ये 14 से शुरू होता है, 14 13 12 ऐसे करके आप 9 10 से भी ले सकते हो, मतलब असेंडिंग ऑर्डर से भी ले सकते हो, तो ये हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिया है। तो यहाँ पे ये जो ऑथर है उसका जो लास्ट जो नेम है उसको हमने यूज़ किया है, ये जो है ईयर 2014 के अंदर पब्लिश हुआ है। देखो जो भी आप रिसर्च प्रपोजल डिपॉजिट करवाते हो, तो कई बार यूनिवर्सिटीज़ कहती है कि जैसे मान लो मैंने 2020 के अंदर डिपॉजिट करवाना है, तो उसके अंदर वो कहते हैं कि जो लेटेस्ट रिसर्च हो चुकी है उसको भी आपने लिटरेचर व्यू के अंदर लेना है, तो 1918 की जैसे। तो लिटरेचर व्यू देखो, जो ज़्यादातर जो बच्चे क्या करते हैं कि जैसे हमने प्रीवियस रिसर्च पेपर्स देखे तो वहाँ से जो लिटरेचर व्यू होता है उसको कट कॉपी करके लगा लेते हैं, बट आप सही जो मेथडोलॉजी होती है कि आप रिसर्च पेपर जो है, क्वालिटी के रिसर्च पेपर जो है डाउनलोड करो, उसको अच्छी तरह से पढ़ो और उनका जो है लिटरेचर व्यू जो है लिखो, उसको अंडरस्टैंड करो। क्योंकि बिगनिंग के अंदर क्या होता है कि जब हम जो लिटरेचर जो रिसर्च पेपर हम डाउनलोड करते हैं वो समझ में नहीं आते, तो बार बार पढ़ना पड़ता है। अगर बार बार पढ़ोगे तो वहाँ से, क्योंकि सारी रिसर्च जो होती है कहाँ से हमने डाटा कलेक्ट करना है, कौन सा हमने किस तरह से हमने उसका एनालिसिस करना है, सारी इन्फॉर्मेशन जो होती है लिटरेचर रिव्यू के अंदर मिली होती है। और लिटरेचर रिव्यू को हम इग्नोर कर जाते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको अच्छी तरह से हम अंडरस्टैंड नहीं करते। आप यकीन नहीं मानोगे कि मैंने जो अपना लिटरेचर, जो मैंने अपनी PhD की है लिटरेचर जो है, एक एक रिसर्च पेपर मैंने उसको 50 से ज़्यादा बार जो है रीड आउट किया होगा। क्योंकि शुरू के अंदर क्या है कि देखो जो डाटा एनालिसिस है वो आपको समझ में नहीं आएगा, तो डाटा एनालिसिस वाला पार्ट जो है आपने समझना है, कंक्लूजन वाला पार्ट हमने समझना है। फिर उसके बाद एक दो वर्कशॉप आप लगा लेते हो तो आपको पता चल जाता है कि डाटा का एनालिसिस इस तरह से होता है। तो धीरे धीरे जो है जो रिसर्च पेपर्स हैं उनका लिटरेचर व्यू भी जो है आपको समझ में आना लग जाता है। तो इस तरह से क्या है कि लिटरेचर व्यू जो है, देखो लिटरेचर जो है रिव्यू जो है टेबुलर फॉर्म के अंदर भी जो है कि ये स्टडी जो है इस पीरियड के अंदर हुई है और यहाँ पे इन चीज़ों को इन्होंने मेयर किया है, सैम्पल साइज इतना लिया है, तो इस तरह से टेबुलर फॉर्म के अंदर लिटरेचर रिव्यू जो है पैराग्राफ की फॉर्म के अंदर और साथ में क्या है कि टेबुलर फॉर्म में भी दिखाया जाता है। उसके बाद देखो नीड ऑफ द स्टडी विच इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कि वाई वी आर डूइंग दिस रिसर्च, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या रैशनल है, तो वो भी बताना जो है बहुत ही एसेंशियल हो जाता है कि हम क्यों ये जो हमने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया है जिसके बेसिस पे हम रिसर्च कर रहे हैं इसके पीछे लॉजिक क्या है वो बताना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव जो ये स्टडी है इसके 5 ऑब्जेक्टिव है, तो 5 ऑब्जेक्टिव जो है उन्होंने यहाँ पे फ्रेम आउट किए हुए हैं। और उसके बाद रिसर्च मेथडोलॉजी, रिसर्च मेथडोलॉजी ये एम्पिरिकल रिसर्च है जिसके अंदर क्या है कि जो IPOs हैं जिसके अंदर उन्होंने बताया कि 2010 ईयर्स का जो डाटा है उसके बेसिस पे क्या है कि ये स्टडी की जाएगी। और जो एक्चुअल में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर 2006 से लेकर 2016 तक IPOs रजिस्टर हुए हैं और वहाँ पे आपने FPO नहीं लेने, वो भी इन्होंने बताया है। तो देखो यहाँ पे क्योंकि ये सेकेंडरी सोर्स है, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 2006 से लेकर 2016 तक जितने IPOs लिस्ट हुए हैं उनको लेंगे, हाँ जिनके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेंगी वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो यहाँ पे सेकेंडरी डेटा, देखो डेटा सोर्स भी बताया है कि सेकेंडरी डेटा यूज़ किया जाएगा, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ऑफिशियल वेबसाइट से, रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्टस से, एनुअल रिपोर्ट से, और उसी तरह क्या है कि जो और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो पर्टिकुलर कंपनीज की वेबसाइट से भी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। तो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर देखो आपका स्कोप क्या है, सैम्पल साइज क्या है, कहाँ से आपने डाटा कलेक्ट करना है, प्राइमरी डाटा है, सेकेंडरी डाटा है, तो वो रिसर्च मेथडोलॉजी के अंदर क्लियर होना चाहिए। और उसी तरह अब देखो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव वाइज रिसर्च मेथडोलॉजी, ऑब्जेक्टिव वाइज रिसर्च मेथडोलॉजी का अर्थ होता है कि जब हमने यहाँ पे हमने अपना ऑब्जेक्टिव बताया टू स्टडी द इन्फ्लुएंस ऑफ द फर्म रिलेटेड वेरिएबल ऑन द शॉर्ट रन परफॉर्मेंस ऑफ IPO, तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, किस तरह से हम जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमने कहाँ से लेनी है, डिपेंडेंट वेरिएबल की हमने इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है। तो यहाँ पे देखो उन्होंने जो अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बारे में भी बताया कि ये हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और इनके बारे में हम इस तरह से इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट करेंगे।
और उसी तरह ही ये भी सारी जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उसके बारे में बताया। फिर उसी तरह क्या है कि जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, और ये इन्फॉर्मेशन हम कहाँ से कलेक्ट करेंगे। और उसी तरह थर्ड जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसके अंदर भी क्या है कि देखो वहाँ यहाँ पर भी उन्होंने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को डिफाइन भी किया है और कहाँ से हम डाटा कलेक्ट करेंगे। अगर हमने सिनॉप्सिस जो है बहुत ही सही ढंग से बनाया, क्योंकि देखो ये जो सिनॉप्सिस है इसके अंदर उसने अपने जो ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि जब हम ऑब्जेक्टिव बनाते हैं ऑब्जेक्टिव की फॉर्मुलेशन सही होनी चाहिए, हमें ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑब्जेक्टिव जो हमने बनाया है उसका डाटा हमने कहाँ से कलेक्ट करना है। कई बार हम ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं बट हमें ये नहीं पता होता, या कई बार क्या होता है कि हम उस चीज़ से डाटा कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे कि उसके डाटा कलेक्शन के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। तो जब हम सिनॉप्सिस बनाते हैं तो इन सारी चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। फिर उसके बाद एक कुछ चैप्टर स्कीम इंट्रोडक्शन, यहाँ पे क्या है कि जब ये सबमिट हुआ था उस वक्त यूनिवर्सिटी ने ये नहीं लिखा था कि टाइम का शेड्यूल में लगाना है। अब जो रिसर्च प्रपोजल जाते हैं तो वहाँ पे टाइम के इंट्रोडक्शन, लिटरेचर व्यू, ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, कि जो जो चीज़ आपने जो डाटा आपने कलेक्ट करना है उसके दिन उसके ऊपर आप कितना टाइम लगाओगे, जो डाटा एनालिसिस है ऑब्जेक्टिव वाइज जो है उसके ऊपर आप कितना टाइम लगाओगे, तो वो टाइम के साथ जो है चैप्टर स्कीम दी जाती है। तो देखो यहाँ पे जिस तरह आपने रिसर्च करनी है उसको आपने चैप्टर वाइज जो है बताया है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर व्यू, ऑब्जेक्टिव रिसर्च मेथोडोलॉजी, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, समरी, कंक्लूजन, सिग्निफिकेंट लर्निंग एंड इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्टडी एंड बिब्लियोग्राफी। अब हम देखते हैं ये बिब्लियोग्राफी जो है मैंने ये बिब्लियोग्राफी ली है कि जब हम सिनॉप्सिस डिपॉजिट करवाते हैं तो जो हमने जो उसके अंदर मटेरियल यूज़ किया होता है या वैसे रेफर किया होता है, तो बिब्लियोग्राफी के अंदर हम सारी चीज़ों को जो है बताते हैं। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है। देखो जो हम रिसर्च करते हैं, जो बुक्स हमने जर्नल मैगजीन्स या ऑनलाइन सोर्सेज जो हमने रेफ़र किए होते हैं, जब हम रिसर्च पेपर लिखते हैं, रेफ़र करते हैं या राइट करते हैं, उनको कोट भी करते हैं, तो बिब्लियोग्राफी के अंदर नेम ऑफ दी author, सोर्स मटेरियल का फुल टाइटल, पब्लिशर का नाम, डेट ऑफ द पब्लिकेशन, पेज नंबर। देखो जो बिब्लियोग्राफी होती है, जो भी हमने सोर्स जो है यूज़ किया है, चाहे वो इसके अंदर रिसर्च पेपर जो सिनॉप्सिस उसके अंदर साइट किया है या नहीं किया है, बट हमने जो भी चाहे रीड आउट ही किया है, जाना ही है उसको, मटेरियल को उसके नहीं यूज़ किया, तो बिब्लियोग्राफी के अंदर वो चीज़ें भी हम मेंशन करते हैं। और बिब्लियोग्राफी जो है बेसिकली इसको हम दो तरीकों से लिख सकते हैं, जिसके अंदर अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन APA और मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। तो ज़्यादातर जो है जो MLA है ये जो है ह्यूमैनिटीज़ और आर्ट्स के अंदर यूज़ किया जाता है, तो हम लोग अपनी रिसर्च के अंदर जो है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के वे से लिखते हैं। जैसे बुक्स है तो ऑथर का लास्ट नाम आएगा, फर्स्ट नेम, पब्लिकेशन ईयर जो है हमने इटैलिक फॉर्म में लिखना है, टाइटल भी इटैलिक फॉर्म में, पब्लिशर्स, सिटी, पब्लिशर, पेज नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर जो है ये जो है अगर हमने बुक के बारे में यहाँ पे रेफ़र कर रहे हैं तो इस वे से लिखना है, और अगर हम जर्नल को लिख रहे हैं तो ऑथर का लास्ट नाम, पब्लिकेशन डेट, आर्टिकल टाइटल, पब्लिक टाइटल, वॉल्यूम, इशू और पेज नंबर। तो यहाँ पे देखो जो उसका लास्ट नेम है ये सलमान, विलियम जो है उसका फर्स्ट नेम है, तो यहाँ पे हमने उसकी जो है बेसिकली जो है पब्लिकेशन डेट। फिर देखो ये हमने जो है कॉमर्स के अंदर लिखा है, जो आर्टिकल का नाम है हाउ टू राइट ए ग्रेट बिजनेस, और जो जर्नल है उसको हमने इटैलिक फॉर्म में लिखा है, ये पेजेस हैं और ये जो है उसके पेजेस हैं। तो इस तरह से क्या है कि हमने बिब्लियोग्राफी जो है लिखनी है, और इसके साथ ही क्या है कि हमारा ये टॉपिक जो है ख़त्म हो गया है। और अगर आपको लगता है कि ये मैंने आपको सही तरीके से बताया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को जो है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल शशि अगर